हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 kg बेकर मशीन में अगर कंटिन्यू काम करो तो कभी कभी ये होता है कि मशीन हमरिंग होते होता है ये बंद हो जाता है, फिर हमरिंग कभी कभी करता है, फिर ऑफ हो जाता है हमरिंग का पोजीशन जो रहता है, फिर आप नॉर्मली चल रहे फिर कुछ टाइम के लिए छोड़ दोगे तो फिर हमरिंग होगा। तो इसमें दिक्कत क्या होता है हम वो देखेंगे। यहाँ पर देखिए मशीन बिल्कुल सही सलामत चल रहा है लेकिन हमरिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। आगे देखिए, आगे का जो टूल होल्डर है वो यहाँ पर ढीला है, तो ये प्रॉब्लम है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कैसे उसको रिवर करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमरिंग का प्रॉब्लम है, तो 4 एलिंकी आपको खोलना पड़ेगा। एलिंकी स्क्रू आपको खोलने के लिए 5 एलिंकी आप यूज़ कर सकते हो, और यहाँ से 5 एलिंकी से हम इसको खोल लेंगे, 4 एलिंकी स्क्रू और जो उसका गियर हाउसिंग में लगता है तो इसको हमको खोलना है। तो उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस टाइप का वीडियो आगे देखने के लिए कोई भी स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर मेरा वेबसाइट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा ऊपर में, आप वहाँ पे जाके भी आप परचेस कर सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, पेमेंट करोगे 100% आपके पास इंडिया के हर एरिया में पार्सल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं मशीन का 4 एलिंकी खोल चुका हूँ और ग्रीस कैप खोल रहा हूँ। अगर आप चाह रहे हो कि मैं आपका मशीन रिपेयर करूँ तो ज़रूर मशीन भेजिए, इंडिया पोस्ट में पार्सल कर दीजिए, सस्ता पड़ता है। कोई भी मशीन आप भेज सकते हो, 4-5 दिन के अंदर मेरे पास आ जाएगा, फिर मैं यहाँ से रिपेयर करके आपको फ्री में भेज सकता हूँ। लेकिन जो भी स्पेयर लगेगा उसका चार्ज आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए मैं उसका खोल चुका हूँ, उसके अंदर जो भी चीज़ है उसका हमवार पाइप, और यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम लगा, दिक्कत है इसमें, तो मैं आपको आगे बताऊँगा। और उसका मैं उस जो कनेक्टिंग रॉड पिस्टन और पिस्टन पिन ये थोड़ा जाम हो गया है, तो इसलिए मैं उसका पिस्टन जो पिन रहता है उसको खोल के कनेक्टिंग रॉड निकाल लेता हूँ, नहीं तो ये ऐसे ही निकल जाता है और नहीं निकला तो बाद में यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा प्रॉब्लम कहाँ पर। तो ये मशीन को थोड़ा मैं चला लेता हूँ। ओके, पहले भी चल रहा था, अभी भी बिल्कुल सही से चल रहा है, कोई भी साउंड नहीं है, तो उसको खोलने की हमको कोई ज़रूरत नहीं। और यहाँ पे मुझे देखा कि इसमें जो स्ट्राइकर है, ये देखिए ये जो स्ट्राइकर है गलत तरीका से लगाया गया था, ये उल्टा घुसाया गया था, जैसे कि ये ओ रिंग जो रहता है वो हमेशा पिस्टन की तरफ रहता है लेकिन इसमें ओ रिंग टूल होल्डर की तरफ था, तो इसलिए ये हमरिंग नहीं हो रहा था। कभी कभी ये टॉच जब पिस्टन पिन में टॉच हो रहा था, सॉरी स्ट्राइकर पिन में टॉच हो रहा था तब हमरिंग हो रहा था, फिर ये नहीं हो रहा था। इसका कारण ये है दोस्तों, ये टूल होल्डर कभी कभी आप मशीन काम करोगे तो ये पूरा निकल जाता है, तो जो हमरिंग ब्रेकिंग काम करते हैं उनको मालूम नहीं होता है कि कैसे हमको बढ़ना है। अगर आपका मशीन ऐसे आप काम कर रहे हो ऐसे निकल जा रहा है तो आप एक काम कीजिए, वॉशर को निकाल लीजिए। वॉशर पहले आपको स्ट्राइकर को देना है, स्ट्राइकर का ओरिंग जो रहता है अंदर के तरफ रहेगा, स्ट्राइकर का ओरिंग जो रहता है मैं दोबारा बोल रहा हूँ अंदर के तरफ, जैसे कि पिस्टन जो रहता है पिस्टन के तरफ पहले स्ट्राइकर का ओरिंग जो पोजिशन रहता है वो घुसा दीजिए, और ऊँचा थोड़ा रहता है वो बाहर की तरफ रहेगा, फिर आप वॉशर लगाइए, फिर उसका स्ट्राइकर फिन लगाइए और यहाँ पर लगा सकते हो। इसको फिक्स करने के लिए मैं आरएल लाइट यूज़ कर रहा हूँ कि जो गॉम रहता है उसको केमिकल अगर आप इसमें लगा दोगी, ये जो चीज़ है आरएल लाइट जो केमिकल रहता है उसको आप लगा दोगी तो ये फिक्स हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा बाद में कि ये निकल जाएगा। निकल जाएगा, कोई भी चीज़ है निकल जाएगा, हिट मारने के बाद ये निकल जाता है, लेकिन इसे इतना आसान तरीके से ये आप निकल नहीं पाओगे। अगर इसको मैं फिक्स कर लूँगा तो नेक्स्ट आपको हिट दे के खोलना ही पड़ेगा, उससे पहले नहीं निकलेगा जितने भी ट्राई कर लो। तो इसको हमको लगाना है, तो थ्रेड में हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके ये जो थ्रेड रहता है हमार पाइप प्लस ये टूल होल्डर में दोनों में लगाना है, ये केमिकल को हमको यहाँ पे लगाना है, तो फिर ये फिक्स हो जाएगा, तो दोबारा हमारा ना ये निकलेगा ना फिर इसको आपको गलत तरीके से लगा पाओगे। तो मैं यहाँ पे ये फिक्स कर रहा हूँ, यहाँ पे लगा रहा हूँ, और ये देखिए ये जो केमिकल देने से पहले हमको ये वॉशर लगाना पड़ेगा, और वह शायद ये अगर जो गम जो केमिकल है वो अंदर चला जाएगा तो ये वॉशर को फिक्स कर लेगा, तो इसलिए मैं पहले वॉशर दे दिया, फिर यहाँ पर चारों तरफ लगा लिया ये जो केमिकल है। तो यहाँ पे लगाने के बाद फिर टूल होल्डर में थोड़ा मैं लगा लेता हूँ, मेन चीज़ आपका नीचे उसका जो हमर पाइप है उसी थ्रेड में थोड़ा ज़्यादा दे दीजिएगा, टूल होल्डर में भी आप दे सकते हो। टूल होल्डर में देने में ये दिक्कत होता है, बहुत ऊपर आ जाता है, तो यहाँ से मैं लगा लेता हूँ। ओके, तो अभी हम ग्रीस देंगे थोड़ा वो स्ट्राइकर फिन में, क्योंकि इसमें जो केमिकल दें शायद इसमें लग सकता है, तो इसलिए मैं ग्रीस दे रहा हूँ कि ये सेट ना हो जाए। तो फिर अभी यहाँ पे फिक्स करेंगे, और यहाँ से फिक्स करने के बाद आप जाके भाईस में टाइट कर सकते हो, और ज़रूर पूरा उसको टाइट कर लीजिए। मैं यहाँ पे भाईस में लेके टाइट करके ला रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए
ओके तो मैं ये उसको पूरा बराबर हाथ में टाइट कर लेता हूँ और यहाँ पे बाइस में टाइट करके ला रहा हूँ। ओके ये बाइस में ऑलरेडी टाइट हो चुका है, मैं स्किप कर लिया। तो यहाँ पे हमको फिटिंग करना है दोस्तों। अगर आप ऐसे काम कर रहे हो, अगर आप ये केमिकल यूज करो तो एक दिन के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा। आप इसको केमिकल दे के फिर आप कस्टमर को मत बोले कि आप कंटिन्यू अभी काम कीजिए, ऐसा मत कीजिए। एक दिन रेस्ट दे दीजिए, फिर पूरा टाइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बाद में आप चला सकते हो। यहाँ पे देखिए मैं अभी आपको उसका कनेक्टिंग रॉड, यहाँ पे देखिए कनेक्टिंग रॉड है और ये देखिए उसका पिस्टन पिन और यहाँ पे स्ट्राइकर। स्ट्राइकर को उल्टा लगाया गया था, गलत तरीके से लगाया गया था, तो इसलिए दिक्कत हो रहा था। तो अभी ये प्रॉब्लम जो था ये सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी स्पेयर पार्ट की ज़रूरत है, जैसे कि मैं आपको बोला, मेरे वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा, यहाँ पे डिस्प्ले में हो रहा है technicalsitam.co.in, या फिर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप का नंबर आपको ऊपर में मिल जाएगा। और ये देखिए ऊपर वाला जो हैंडल का पत्ती रहता है ये टूट गया है, तो इसलिए मैं एक नया पत्ती लगाऊंगा इसमें, ये पत्ती भी चाहिए। तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए या फिर वेबसाइट में चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा। और यहाँ देखिए मैं दो यहाँ पे जो रहता है एलंगी, इसको खोल के दोबारा हम उसमें नया पत्ती लगाएंगे। ये बहुत टूटता है, बहुत ज़्यादा टूटता है, तो इसलिए हम इसमें डंकचिंग का लगा रहा हूँ, तो हैवी रहता है और टूटने का कोई ज़्यादा चांस नहीं होता है। और यहाँ से हम उसका जो एलंगी स्क्रू रहता है उसको टाइट कर लेंगे, फिर ये फिक्स हो जाएगा। आपको जैसे कि मैं आपको बोला, कोई भी स्पेयर पार्ट की जरूरत है ज़रूर मेरे वेबसाइट चेक कीजिए। कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, पेमेंट करोगी पहले, अगर आप ऑर्डर करो छोटा छोटा ऑर्डर कर दीजिए, आपको बिलीव हो जाएगा, फिर आप कोई भी ऑर्डर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उससे पहले दोस्तों अगर आप लग रहे कि मैं यहाँ पे स्पेयर लेके आप फिटिंग नहीं कर पाऊँगी, तो फिर आप मुझे मशीन भेज सकते हो। मेरे एड्रेस का लिंक आपको, मेरे एड्रेस मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। कॉन्टैक्ट करने के बाद आप ज़रूर भेजिए, 4-5 दिन के अंदर मेरे पास पहुँच जाएगा, मैं पूरा प्रॉपर तरीके से रिपेयर करके आपको दे सकता हूँ। लेकिन आपको वहाँ पे आने का खर्चा रहेगा, जाने का खर्चा फ्री मेरे तरफ से रहेगा। अभी जो है जो वीडियो देख के आता है तो ज़रूर उसको मैं फ्री में भेजूंगा, लेकिन स्पेयर का खर्चा आपको देना पड़ेगा। फिर उसका जो आपका फिटिंग का चार्ज, कोई भी शॉप पे जाओ फिटिंग का चार्ज लेते हैं, मैं आपसे नहीं लूँगा। और यहाँ पे ये रेडी हो चुका है, तो ये आइडियल का ग्रीस है जो बहुत सारा वीडियो में यूज़ किया हूँ, बहुत सारा पहले 4-5 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ ये ग्रीस। तो अगर आपको चाहिए तो ज़रूर चेक कीजिए, सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा आइडियल का ग्रीस, जो स्पेशल ग्रीस रहता है हमारी का ये मशीन के लिए। इसको आप यूज़ करोगे हमारी का थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा हमारी, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हमारी होता है, इतना जल्दी आपको सर्विसिंग नहीं ढूंढेगा। तो यहाँ पे हमको स्ट्राइकर देने के बाद थोड़ा आपको ग्रीस देना है। स्ट्राइकर से पहले आप ग्रीस मत दीजिए, स्ट्राइकर लगाने से पहले अगर आप ग्रीस दोगी, और जैसे कि मैं स्ट्राइकर लगाने के बाद ग्रीस भरा, उससे पहले आप ग्रीस मत भरिए, ग्रीस भरोगे तो हमरिंग नहीं होगा। तो ये ज़रूर ध्यान दीजिए, स्ट्राइकर और पिस्टन के सेंटर में ग्रीस रहना चाहिए, उससे ना आगे रहेगा ना पीछे रहेगा। आप लगा सकते हो थोड़ा बहुत चारों तरफ, लेकिन मत दीजिए ग्रीस, ज़्यादा मत दीजिए स्ट्राइकर से पहले या फिर पिस्टन से पहले। स्ट्राइकर पिस्टन के सेंटर में ग्रीस देगा, जैसे कि आप देख रहे हो। ओके अभी ये रेडी हो चुका है, अभी हम 4 एलिंग के स्क्रू टाइट कर लेंगे, फिर ये रेडी हो जाएगा, ग्रीस कैप लगा लेंगे, रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये टाइट कर लेता हूँ उसको। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। हर वीडियो के चीज़ जो रहता है, कुछ जानकारी आपको मिलता रहता है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वैसे वीडियो नहीं बनाता हूँ, अच्छा क्वालिटी का वीडियो बनाता हूँ, इसमें बहुत मेहनत लगता है। तो आपको एक ही चीज़ करना है, फ्री में आपको सब्सक्राइब करना है, कोई पैसा नहीं पड़ता है। नीचे आपको जो रेड कलर का आई बटन मिलना है उसको दबा दीजिए ऑल पे, तो सब्सक्राइब हो जाएगा, और कोई चीज़ नहीं, आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा, फ्री में होता है। और यहाँ पर थोड़ा ग्रीस देना है हमको। ओके ग्रीस यहाँ पे दे देंगे, फिर उसका जो ग्रीस कैप रहता है उसको टाइट कर लेंगे। ग्रीस कैप को चेक करना है, ग्रीस कैप अगर ख़राब हो गया है तो ज़रूर चेंज कीजिए। ग्रीस कैप का भी लिंक आपको अगर परचेज करना है तो भी मेरा वेबसाइट में अवेलेबल है, वो एक पीस भी चाहिए तो ज़रूर चेक कीजिए। तो यहाँ पे ग्रीस कैप को टाइट कर लेता हूँ। ओके ये टाइट हो चुका है, अभी मशीन को चला लेंगे। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसलिए वीडियो को एंड करते हैं, ये समाप्त हो चुका है। अभी थोड़ा मशीन को तो थैंक यू दोस्तों, मशीन को ज़्यादा मत चलाइए क्योंकि ये केमिकल यूज़ किया गया है। तो थैंक यू।